दोस्तों, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। आप ऑलरेडी हमारा थंबनेल देख चुके हो, तो अभी इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग को उम्मीद है कि आप अच्छे से देखोगे, समझोगे और उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। सो फर्स्टली स्वागतम लेडीज एंड जेंटलमैन द फर्स्ट ब्लॉग ऑफ 2021। सो आज का जो ब्लॉग है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्लेस पे है। एक टेम्पल है जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया था, काफ़ी पुराना है, महाभारत के टाइम से भी पुराना है। तो उम्मीद है कि आपको वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है आप उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, बिकॉज इसी से हमें पता चलता है कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हो और आप हमसे कितना प्यार करते हो। तो चलते हैं हम डायरेक्ट लोकेशन पर, तब तक मैं थोड़ा सा रेडी हो लेता हूँ। तो अगर इंटरेस्टिंग बीच में कुछ दिखा तो आपको मैं दिखा दूंगा, वरना नहीं तो आपको डायरेक्ट लोकेशन पे दिखाता हूँ और अच्छे अच्छे व्यू दिखाता हूँ आज आपको। साथ में एक रणजीत सागर डैम है वहाँ के भी। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देखा, ये मैं आपको लेके आया हूँ आज मुक्तेश्वर धाम। सो मुक्तेश्वर धाम इज़ ए पॉपुलर श्रीन ऑफ भगवान शिव एंड ऑल्सो दिस टेम्पल इज नोन एज मुकेश्वरा मंदिर, विच लोकेटेड नियर पठानकोट ऑन शापुर कंडी डैम रोड एट विलेज डूंग। ऑल्सो दिस प्लेस इज नोन एज मिनी हरिद्वार। दोज पीपल हु कैन नॉट डू एश मर्शन ऑफ दियर कैन एट हरिद्वार, दे फ्लू इट इन रवि रिवर एट मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। So now I can share with you some interesting history of this Mukteshwar temple. It was established by legendary Pandava during their 12th year of their exile in Dwapar Yuga. During their journey, the Pandava reached here and they chose the peaceful location of Mukteshwar Dham for their stay. So there are four caves and also these caves are around 5500 years old. According to Hindu mythology, these caves are also old as Mahabharata. It was built by Pandavas during their exile Agyatvas. That time they stayed in these caves for 6 months and also they crafted the Shivling that present in the temple and worshipped the Lord Shiva here. And the Havan Kund made by them is also still present in this temple. So let's go enjoy the view of temple. And if you guys are interested to know more about this temple, then you can visit for link in our description box. जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इस मंदिर की बहुत महत्व है। ये मंदिर नॉर्मल नहीं है, काफ़ी स्पेशल है और महाभारत के भी पुराने टाइम से है। तो अभी आप ये बताना नीचे कमेंट करके कि आपको ये मंदिर कैसा लगा और यहाँ के अच्छे अच्छे व्यू कैसे लगे और इसकी जो स्टोरी थी वो भी कैसे लगी, क्योंकि ये मेरा काफ़ी दिनों बाद एक ब्लॉग है, अराउंड एक साल के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ वापस मैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे पहले के जैसा प्यार देंगे जैसा आज तक देते आए हैं। तो अभी मैं चलता हूँ एक और स्पेशल जगह पे। सो चलो अभी मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ यहाँ का। This langar is really so much tasty. काफी ज्यादा चढ़ाई है, लगता है भोलेनाथ जी अपने पास से हमें बेचना नहीं चाहते, काफी ज्यादा। काफी मशक्कतों के बाद हम वापस पहुंच चुके हैं। सो अभी ही बारी है सेकंड प्लेस पे जाने की। यहाँ का तो आपने देख लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना।
मत भूलना। सो गाइस दिस इज आवर सेकंड प्लेस रंजीत सागर डैम, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे बोलते हैं फंगोता डैम। दोस्तों ये है वो रंजीत सागर डैम जिसका पानी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जाता है। ऑल्सो दिस डैम इज प्रोड्यूस 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि डैम के साथ एक बहुत अच्छा पार्क भी है जो कि इस विलेज के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये देखो इस पार्क का नाम है शहीद भगत सिंह पार्क। तो अभी दिखाता हूँ आपको अंदर से ये कैसा है। और ये है हमारे कालू जी जिनके साथ आज मैं जर्नी कर रहा हूँ। सो चलो अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको कि ये एक पार्क कैसा और अच्छे अच्छे व्यू। एक छोटा सा पार्क काफ़ी सही है इस टाइप के विलेज के लिए। तो अगर आप फिटनेस के इच्छुक हो और आप फिटनेस के प्रति जागरूक हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये पार्क। हाँ विलेज के लिए इतना अच्छा है मानता हूँ, शहरों के लिए ये इतना अच्छा नहीं है बट विलेज के लिए ये काफ़ी परफेक्ट है। मैं अभी हूँ हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर। तो हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर इस नदी के द्वारा जस्टिफाई होता है। इस नदी के इस साइड पंजाब है और इस नदी के इस साइड हिमाचल है। तो यहाँ से मेरा घर अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर अगर हम बाय शॉर्टकट जाएंगे, अगर लॉन्ग कट रख लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 रख लो क्योंकि वो घूम के जाना पड़ता है उनसे। ओके तो अभी मैं इस ब्लॉग की एंडिंग करने जा रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग को बनाने में हमारी जितनी भी मेहनत लगी है उसका 50% शेयर कालू जी को जाता है। तो कालू जी की मेहनत को हम देखते हैं कि आप कितना प्यार देते हैं। सो दैट्स द लास्ट व्यू ऑफ द टुडेज़ व्लॉग बिकॉज नाउ आई एम टू मच टायर्ड बिकॉज दिस जर्नी वाज अराउंड 60-70 किलोमीटर फ्रॉम माय होम। सो नाउ आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय फीलिंग बिकॉज आई एम सडनली स्टार्टेड व्लॉग आफ्टर 1 ईयर। So I hope you guys understand. So उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको जो 3 काम बोले थे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यह करना मत भूलना। और साथ में आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ, हम जल्द ही ऑटोफैक्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप में इस YouTube चैनल पे एक गाड़ियों से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ व्हीकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड फैक्ट जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, वी ऑलवेज विद यू। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ।